सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग होगा, जहां पर आज हम टॉप 5 ब्रांड न्यू जीबीए पोकेमोन गेम्स को देखने वाले हैं। सारे गेम्स नए हैं और इनके स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो इन गेम्स को एक बार जरूर से ट्राई करना। गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हाँ यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे आता है पोकेमोन जर्नीस एडिशन जीबीए गेम। ये बिल्कुल नया गेम है 2023 का। जैसे कि आपको पता है, पोकेमोन जर्नीस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो ये गेम पूरी तरह से पोकेमोन जर्नीस के स्टोरी को ही फॉलो करेगा। यहाँ पर आप ऐश और पिकाचू बनकर खेल सकते हो। इस गेम के अंदर आपको ऐश का गला रीजन का आउटफिट देखने को मिल जाएगा। साथ में आप इस गेम के अंदर ऐश के गला रीजन की पोकेमोन टीम यूज कर सकते हो, जो कि है पिकाचू, लुकारियो, सरफेस, ड्रैकोविश, ड्रैगनाइट और गेंगार। इस गेम के अंदर आपको जिम बैजेस कलेक्ट नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड चैंपियन बनना है। ऊपर से यहाँ पर आप जितने भी पोकेमोन्स को पकड़ते हैं वो ऑलरेडी 60 लेवल पे होंगे, ना कि 5 लेवल पे बाकी पोकेमोन गेम्स के तरह, जो कि काफी अच्छी बात है। तो हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन गेम्स है 2023 का, इसको चेकआउट जरूर से करना। नंबर 2 पोकेमोन क्वेस्ट जलिए काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमोन जीबीए गेम है, जो कि रिसेंटली आई थी। इस गेम के अंदर आपको काफी सारे अलग अलग पोकेमोन कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप इस गेम को खेल सकते हो, जैसे कि एश, ब्रैंडन, रेड, मे, गोल्ड और स्टीवन। ऐसे और भी काफी सारे कैरेक्टर्स इस गेम के अंदर रिसेंटली हिजू रीजन के पोकेमोन्स को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा बाकी सारे जीबीए गेम से हटकर इस गेम के अंदर आपको आपके पोकेमोन फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि आपकी पूरी पोकेमोन टीम आपको फॉलो कर सकती है। इस गेम के अंदर मल्टीप्लेयर फीचर भी है, जिसका यूज करके आप लोग अपने फ्रेंड से पोकेमोन ट्रेड कर सकते हो या फिर उनसे फाइट कर सकते हो। ऑल्सो इस गेम के अंदर आपको जेन 1 से लेकर जेन 3 यानी कि कैंटो से लेकर होइन तक के सारे पोकेमोन मिल जाएंगे। इसमें मेगा एवोल्यूशन, जी मूव, जिगेंटमैक्स और डायनामैक्स भी है। साथ में आप इसमें शाइनी पोकेमोन मिलने के चांसेस खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। तो हाँ, डेफिनेटली ये भी एक काफी अच्छा गेम है, इसको भी चेकआउट जरूर से करना। नंबर 3 पोकेमोन वेगा। ये एक काफी पुराना गेम है, बट काफी ज्यादा ऑसम है। इस गेम के स्टार्टिंग में आपको जेन 1 से लेकर जेन 8 तक यानी कि कैंटो से लेकर गलार तक हर एक स्टार्टर चूज करने का मौका मिलेगा। इस गेम के अंदर एक बिल्कुल नया रीजन भी है, जो कि है टोहोक रीजन। इसके अलावा इस गेम के अंदर आपको काफी सारे फैन मेड न्यू पोकेमोन्स भी देखने को मिल जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफिशियल पोकेमोन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें काफी सारे ऑफिशियल पोकेमोन भी हैं। इस गेम के अंदर आपको काफी सारे फैन मेड अटैक्स वहीं पर ऑफिशियल अटैक्स भी मिलेंगे, और हाँ, स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो हाँ, इस गेम को भी एक बार जरूर से चेकआउट करना। नंबर 4 पोकेमोन डार्क राइजिंग। ये एक काफी ज्यादा ऑसम गेम है, जो कि 3 पार्ट्स में आता है, यानी कि डार्क राइजिंग 1, 2 और 3। ये सारे ही पार्ट्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस गेम के स्टार्टिंग में आपके पास एक पोकेमोन आएगा, जो कि आपसे हेल्प मांगेगा उसको और पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को बचाने के लिए। फिर आप अपने सपने से जागोगे और अपने आप को एक नए रीजन में पाओगे, जो कि है कोर रीजन। आपके जर्नी के स्टार्टिंग में ही आपको एक काफी ज्यादा पावरफुल मिस्टीरियस पोकेमोन देखने को मिलेगा, जो कि आपके और आपके फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देगा। इसी तरह की और भी काफी सारी अमेजिंग स्टोरी है इस गेम के अंदर। इसके अलावा इस गेम के अंदर आपको नए जनरेशन के अटैक साथ में 368 पोकेमोन देखने को मिलेंगे, जेन 1 से लेकर जेन 5 तक, यानी कि कैंटो, जोटो, होइनसिनो और यूनोवा रीजन के पोकेमोन। इस गेम के अंदर आप लोग नर्स जॉय से भी फाइट कर सकते हो बैटल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो हाँ, इस गेम को भी जरूर चेकआउट करना। नंबर 5 पोकेमोन लेजेंडरी एशेस। ये एक और ऐसा गेम है जहां पर आप एश बनकर खेल सकते हो, पर स्टोरी लाइन काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। पहले तो आप अपने होम टाउन यानी कि पहले टाउन में होगे, बट फिर आपको प्रोफेसर होके एक बिल्कुल ब्रांड न्यू रीजन जोटोक्सो रीजन में जाने बोलेंगे, जिसके लिए आपको एक टिकट चाहिए होगी। इस गेम के अंदर एक नया रीजन और काफी सारे नए साउंड ट्रैक्स भी हैं। इस गेम के अंदर आप एश के नए या फिर ओल्ड फ्रेंड या फिर राइवल से बैटल कर सकते हो। इस गेम के अंदर डे और नाइट सिस्टम भी है और काफी सारे अलग अलग रीजन या फिर जनरेशन इस गेम के अंदर मिक्स्ड है। साथ में इस गेम के अंदर कुछ पोकेमोन के पास उनकी ओरिजिनल एनिमे वॉइस भी है। इस गेम की स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो हाँ यार, डेफिनेटली इस गेम को भी बिल्कुल मिस मत करना। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।